एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में ओलिवर नाम का एक दयालु छोटा खरगोश रहता था। ओलिवर अपने उदारता और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। एक सुनहरी सुबह थी, जैसे ही ओलिवर जंगल में कूदा, उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। जिज्ञासा से उसने उस ध्वनि का पीछा किया और टूटे हुए पंख वाले एक छोटे पक्षी की खोज की। बेला नाम की चिड़िया दर्द में थी और वह उड़ भी नहीं पा रही थी। ओलिवर बेला के पास गया और कहा, चिंता मत करो बेला, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने उसे सावधानी से उठाया और उसने अपने आरामदायक बिल में ले गया। ओलिवर ने बेला के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और प्रतिदिन उसके लिए भोजन और पानी लाया। दिन हफ्तों में बदल गए और बेला का पंख धीरे धीरे ठीक हो गया। वह खुशी से चहकने लगी। बेला ने ओलिवर की निस्वार्थ देखभाल के लिए उसका आभार व्यक्त किया। एक साथ रहते और बातें करते हुए दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन बेला का पंख पूरी तरह ठीक हो गया था और वह फिर से उड़ने के लिए तैयार थी। उसने ओलिवर को देखा और कहा, धन्यवाद प्रेमिक, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगी। ओलिवर ने जवाब दिया, बेला, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। बस आप मुझसे वादा करें कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी, आप दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगी। बेला ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। वह जानती थी कि उसने ओलिवर से करुणा और दया के बारे में एक मूल्यवान पाठ सीखा है।